राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने सुना होगा कि चांदनी फ्लावर के बारे में, तो चांदनी फ्लावर में एक दूसरी वैरायटी आती है जिसे आप, जैसा आप देख रहे हैं, इसे इंग्लिश चांदनी कहते हैं। इसमें मतलब कि कलर तो फ्लावर के वही होते हैं, मगर उससे थोड़े ये फूल जो इनमें होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। और इनकी पत्तियों का भी आप साइज़ देख रहे हैं, इनकी पत्तियाँ भी बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जैसे आप देख रहे हैं उनके पत्ते बड़े होते हैं। और जैसा कि चांदनी फ्लावर जो होता है वो रियल में उसका पेड़ सा बन जाता है और वो बहुत बड़ा सा होता है, जगह भी वो ज़्यादा छेकती है उसके लिए, मतलब पॉट भी गमले भी बड़े चाहिए या उसके लिए जगह ही अलग होनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे चांदनी है, इसे आप छोटे से छोटे गमलों में लगा सकते हैं और ये सही से ऐसे तरीके से सर्वाइव भी करेगा और चलेगा भी। और जैसे कि अगर ज़्यादा दो चार महीने बीत गए, 6 महीने के बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा इसमें रूटिंग चल गई, इसकी जड़ें ज़्यादा काफ़ी फैल गई, तो आप इसमें ये है कि रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलिए आज मैं आपको इंग्लिश चांदनी के बारे में, इसे लगाना कैसे है, इसे इसमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा देख रहे हैं कि ये छोटा सा गमला हमने लिया है, और कोई भी गमले में खास करके आपको ये देखना है कि ये ड्रेन होल जरूर होना चाहिए, जिससे ये है कि इसमें पानी जमे नहीं और ऑक्सीजन इन्हें मिलती रहे। तो इनमें आप एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, जिससे ये होता है कि जैसे मिट्टी नहीं बहती है, तो जैसे हमने देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है, हमने इस पर लगा दिया। अब इसके हमें क्या करना है इसके बाद, कि जैसे अब देखिए इसके मटेरियल जो है इसकी, जैसे हमने 50% ये गार्डन सॉइल लिया है, ठीक है, और ये 30% ये रिवर सैंड है, तो जिसे रेत भी कहते हैं, और 20% जो ये काउडन है, जिसे गोबर खाद भी कहते हैं। तो इन्हें हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, जैसे अपने हिसाब से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि काउडन जैसे है कि तुरंत शुरू में काउडन ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये होता है कि जैसे पौधे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ मात्रा में गैस भी पाई जाती है। तो इन्हें जो है कि हम अपना हल्का सा ही मिलाएंगे, जैसे थोड़ी फिर अपने पौधे की प्लांट की रूटिंग स्टार्ट हो जाए गमलों में, तो आप दोबारा से जैसे गुड़ाई करते समय आप उनमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, अगर आप ऐसे कर, और रेत जो होता है रिवर सैंड जिसे कहते हैं, उसे आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालें, उससे क्या होता है कि पानी उसमें जैसे एडजस्ट भी होता है, और मतलब मिट्टी जो होती है इसकी गमले की वो भुरभुरी रहती है, तो उससे क्या होता है जड़ को फैलने में भी आसानी होता है और पानी की भी ठंडक उसमें बनी रहती है, और मतलब कि ये है कि पानी इकट्ठा भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको लगाना बता रही हूँ, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप ऐसे ही जब भी कोई मतलब पौधे लगाए, नया प्लांट लगाए, तो आप उसमें कोशिश कीजिए, अगर जैसे रिवर सैंड मिले तो रिवर सैंड, और नहीं तो जैसे बहुत से जगह पे बालू पाया जाता है, तो आप बालू भी मिक्स कर सकते हो, और बालू तो जहाँ तक इससे बेटर ही रहेगा, क्योंकि उसके दाने थोड़े मोटे होते हैं, मगर सही होता है वो, आप लगा सकते। तो आइए देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद आप इसे पुश कर लीजिए, ताकि मिट्टी सही से इसमें बैठ जाए, नहीं तो क्या होता है कि जैसे अगर मिट्टी ढीली रह जाती है गमलों की, तो जैसे पानी डालने के बाद वो पानी सारा बाहर को निकल जाता है, आप जिस जगह को पौधे को रखते भी हो तो वो जगह भी गंदा होता है, और फिर पानी नहीं रुकता रहता इनमें, तो नमी भी ज़्यादा देर तक नहीं बनी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा मिट्टी को पुश कर ले। और एक बात दोस्तों खास करके ध्यान रखना, आप कभी भी नर्सरी से पौधे लेके आते हो तो आप एक चीज़ गौर करना, जैसा कि दिखा रही मैं आपको, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान कर। जैसे देखो आप, ये मैं लाई ऊपर, एक इसमें जो एक थैली ऊपर लगी थी, ठीक है, वो हमने पहले निकाल दिया था। और जैसे नर्सरी वाले भी अगर जैसे कहीं से उन्हें भी आगे से लाते होंगे पौधे, तो उन्हें भी अलग थैली में आता है, जिसके ऊपर नर्सरी वाले ऊपर से मिट्टी जो चढ़ा देते। जैसा कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एक ये पोलिथीन है जो ये अंदर भी लग रही है, अगर हम इसे नहीं निकालेंगे इसकी जड़ इतनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये चलेगी नहीं, कुछ दिन तो चलेगी, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पौधे हरे भरे हैं, मगर ये फिर धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और या क्या होगा कि इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलेगी,
इनमें फ्लावरिंग भी इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, इसलिए दोस्तों इसे देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से में ऐसा होता है कि जैसे किसी में ये थैली होती है और किसी में क्या होता है कि जैसे इस जगह जड़ में वो रेड कलर की वो चिकनी सी मिट्टी होती है, तो उन्हें भी निकालना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि चिकनी मिट्टी से जड़ ज़्यादा नहीं फैलता, तो उसे हमें बिल्कुल साफ, आप देख रहे होंगे, आपको अच्छी तरह दिखाई भी दे रहा हूँ, ये देखने, ये देखिए आप दोस्तों, ये जो थैली है, पिन्नी है, ये नुकसानदायक है पौधों के लिए, इसे सही से निकालना होता है। अब मेरे ख्याल से इनकी सारी थैली हट चुकी है इसकी, अब मैं इन्हें लगा सकती हूँ। तो आप देखिए, और उम्मीद है कि आप भी ऐसे लगाएंगे, देखेंगे। जैसे आपके कोई बात है समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट में आप शिकायत करें, बताएं कि हाँ कैसे क्या है, और आप कुछ अच्छी भी जानकारी बताएं जो हमारे समझ में नहीं आए, तो चलो ये हमें पता भी लगे। तो हमारे जैसे हम आपस में शेयर करते हैं, जैसे पौधे लगाते हैं तो अच्छी बुरी बातें भी जैसे प्लांट के बारे में शेयर कर सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है। बाकी मेरे ख्याल से अब तक तो मैं काफ़ी पौधे और काफ़ी फ्लावर के और साग सब्जी के भी लगा रखी हूँ, लगा चुकी हूँ, मुझे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, हर चीज़ में मुझे 100% मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, और गमले को धीरे से ऐसे आप ज़मीन पे पटक के, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी के होते हैं, टूट भी सकते हैं, तो आप इसे ऐसे लगा के अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो दिखे नहीं। और देखिए ये मेरा पौधा लग के तैयार हो गया। अब इनमें जो है मैं थोड़ी सी अब वाटरिंग कर दूंगी। और पहली बार अगर आप कोई भी प्लांट्स लगाएं तो उनमें वाटरिंग इतनी कर दें कि ये पानी जो इनकी इसके ड्रेनिंग होल से बाहर तक को निकल जाए, ताकि इसमें जो ऑक्सीजन भी अगर जैसे रहे तो वो निकल जाए। आप अच्छी तरीके से पौधे में पानी डालें और इसे कोशिश करें कि एक दो दिन थोड़ी छाँव में रख देना, क्योंकि जैसे आप नया नया रिपोर्टिंग करते हो ये कुछ जड़ें भी टूट जाती है, तो थोड़ा ये होता है प्लांट थोड़ा शॉर्ट में आ जाता है, तो एक दो दिन थोड़ी सी छाँव में रखने के बाद आप फिर से, जैसे ही आपको लगेगा आपके पौधे हरे भरे दिख रहे हैं, ये सर्वाइव कर गए चल रहे हैं, तो आप जो है कि इन्हें धूप में रख सकते हो, वो भी डायरेक्ट धूप में नहीं, जैसे सुबह की या शाम की धूप में आप रख सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे दो चार दिन के बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो, कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड आज के लिए ऐसा इतना ही, आपको अगर अच्छा लगा हो और आपके कुछ समझ में आई हो तो आप हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो कि हमने पौधा लगाने का तरीका कैसे बताया, नहीं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, आज के लिए बाय।